हेलो यूट्यूबर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप एक सिस्टम्स की परफॉर्मेंस को इनक्रीज़ कर सकते हैं। हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग किसी भी तरह का थर्ड पार्टी टूल की इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट की ओर से इनबिल्ट प्रोवाइड की जाने वाली ऑप्शंस हैं। एक्चुअली होता ये कि जब हम अपने सिस्टम्स के ऊपर हैवी एप्लीकेशंस को या किसी तरह के एनिमेशन टूल को, फोटोशॉप के इस तरह के टूल को जब हम अपने कंप्यूटर पे रन करते हैं, तो एक टाइम पे वो सारी चीज़ें हमारे हार्डवेयर को यूटिलाइज़ करते करते फुल यूटिलाइज़ कर जाती हैं। एमटू से क्या होता है कि जो आपकी रैम है, बेसिकली जितने भी आप अपने सिस्टम के अंदर प्रोग्राम रन करते हैं, वो सारे रैम के अंदर रन होते हैं। तो रैम क्या होती है कि आपकी 100% यूटिलाइजेशन हो जाती है, जिस वजह से आपका सिस्टम जो है वो स्लो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का एक सोल्यूशन है, आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो आपकी जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को आप एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट रैम आपका सिस्टम रन हो जाएगा हार्ड डिस्क से ही, नहीं। बेसिकली होगा ये कि रैम तो होनी ही चाहिए, विदाउट रैम तो डिस्प्ले भी नहीं आएगा आपके सिस्टम का। लेकिन हाँ, कि अगर आपके पास मान लीजिए रैम कम है, लेकिन आपके सिस्टम के ऊपर कुछ हैवी एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं, तो कुछ हद तक आपकी हार्ड डिस्क को आप एज अ रैम यूज़ करके उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। कई तरह के जैसे वर्चुअलाइजेशन के या ग्राफिक्स के टूल्स में ये हेल्पफुल है, या गेमिंग, खास तौर पे गेमिंग। अगर आप एक हैवी गेम अपने सिस्टम पे रन करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका सिस्टम जो है काफ़ी हद तक स्मूथ चलेगा। तो बेसिकली होगा ये, हम क्या करेंगे, अपनी हार्ड डिस्क की जो ड्राइव्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, जितनी भी ड्राइव्स हैं, मैं इनमें से कोई भी एक स्पेस जो है मेरी, जैसे मेरी सी ड्राइव है, सी ड्राइव में अभी मेरे पास 194 GB फ्री पड़ी हुई है। लेकिन जो मेरी सिस्टम की रैम है, अगर मैं रैम की बात करूँ तो 6 GB रैम है। तो मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन इसमें रन करना चाहता हूँ जो 6 GB से भी ज़्यादा रैम को यूटिलाइज़ करती हो, तो मैं क्या करूँगा, अपने सिस्टम की जो सी ड्राइव की स्पेस है, इसकी स्पेस में से कुछ स्पेस, लाइक 20 GB, 10 GB, जितनी भी आप लेना चाहें, वो स्पेस मैं अपनी रैम में ऐड कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा कि मेरा सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस कुछ हद तक, काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सिंपली आपको करना है, स्टार्ट पे जाना है, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है, दिस कंप्यूटर लिखेंगे, ये हर एक विंडोज़ में आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 में, 7 में, एक्सपी में, जो आपकी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी में भी ऑप्शन थी। तो आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऊपरली साइड यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स करके नज़र आएगा। एडवांस सेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करके ऑप्शन नज़र आएगी, जिसमें आपको वर्चुअल मेमोरी नज़र आएगा। बेसिकली यही होती है वर्चुअल मेमोरी, जो कि आपकी रैम को सपोर्ट करती है, रैम के अंदर उसको और ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करवा देती है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एडवांस का ऑप्शन नज़र आएगा। एडवांस के बाद नीचे देखिए, आपके सामने लिखा हुआ वर्चुअल मेमोरी। तो ये एक वर्चुअल मेमोरी क्या होती है कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर रैम को स्पेस दे देती है, आई मीन टू से जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको एज अ रैम यूज़ कर लेती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी सिस्टम्स में ऑटोमेटिक होता है, ये आपकी पेंडिंग स्पेस के हिसाब से मतलब इसे ऐड कर लेती है। अभी 1 GB डिफ़ॉल्ट सेट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक मैनेज पेज पेजिंग फाइल साइज करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें अनटिक कर देना है इसको, और यहाँ पे देखिए कस्टम पे क्लिक करना है। मेरे सिस्टम में सिर्फ एक ही ड्राइव है, लाइक सी ड्राइव। अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल ड्राइव्स हैं, फॉर एग्जांपल डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो आप जो एज अ रैम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप दूसरी ड्राइव्स में भी कर सकते हैं। बट इसका एक रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपकी जो स्पेस है, मान लीजिए मेरे सिस्टम में 194 GB फ्री है, अगर मैं इसमें से यहाँ पे सी ड्राइव में से 30 GB सेट कर देता हूँ, फॉर एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ मैं, 30 GB, 30 GB ये एक इनिशियल मतलब जो हम साइज़ रखना चाहते हैं, और मैक्सिमम लाइक मैंने 30 GB टू 35 GB रख दिया। तो इसके बाद हमें सेट पे क्लिक करना है, सेट के बाद ओके करेंगे, ओके के बाद ओके, देन अगेन ओके। तो आफ्टर दैट क्या देखेंगे कि आपकी जो, देखिए पहले यहाँ पे मेरे पास 194 GB
जो स्पेस मेरे पास फ्री पड़ी हुई थी सी ड्राइव में, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एज अ रैम सेट किया, मतलब 30 GB मैंने रैम को दी, तो ऑटोमेटिकली उस स्पेस में से ये कम हो गई। तो अब क्या देख रहे हैं कि जो मेरी डी ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी है, फ्री स्पेस, वो कम हो गई, क्योंकि जो 20 GB है वो मेरी असाइन हो गई है मेरी रैम के अंदर, मतलब वर्चुअल मेमोरी मैंने असाइन कर दिया जो मेरी रैम को सपोर्ट करेगी। इसका जो रिजल्ट है, जब आप सिस्टम को एक बार ही रीस्टार्ट करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट शो होएगा। रिजल्ट मींस ऐसा नहीं होगा कि आपकी रैम के बिना ये सिस्टम को चला देगी, हाँ कि अब आपकी मतलब पहले मेरे पास 6 GB थी और मैंने 30 GB दे दी तो 36 GB हो गई है, ऐसा नहीं होता। होगा बेसिकली ये कि वो 6 GB प्लस उसके बाद जो ओवर ओवर जो डेटा आप रन करेंगे वो सारा उसमें रन हो जाएगा आपकी वर्चुअल मेमोरी के अंदर। तो ये आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आपकी एज अ रैम रैम रिएक्ट करेगी और आपके सिस्टम को जो है आपकी सिस्टम की स्पीड को इनक्रीज करेगी। तो इस वीडियोस में हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप एक सिस्टम की स्पीड को, परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।